मेरा नाम बदल देना, सारी दुनिया हमारी दुश्मन बन जाएगी। आने दो आने दो आने दो, एकदम अलग, एकदम डिफरेंट, मैं नॉर्मल हूँ। हाय गाइस, मैं हूँ स्मिता एंड वेलकम टू माय चैनल अर्बन लेडी। आपको पता है, इंसान ना बहुत ही क्यूरियस प्राणी है, उसके पास हमेशा सवाल होते हैं और उन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते तो वो चांद तक जा पहुंचा। लेकिन इतनी तरक्की करने के बाद भी हम इंसान इतने सिली क्वेश्चंस पूछते हैं ना, कि जिसका जवाब उस सवाल में ही होता है, लेकिन फिर भी हमें पूछना है। और अगर उन सिली क्वेश्चंस का जवाब भी हम उसी तरह दें ना, तो सारी दुनिया हमारी दुश्मन बन जाएगी। अब आप कहेंगे, कौन से सवालों की बात कर रही है, हम तो ऐसे सवाल नहीं करते। अच्छा, अभी पता लगाते हैं। आप पिछले आधे घंटे से बस स्टॉप पे खड़े हो, कड़ी धूप में इरिटेट होकर, और उसी वक्त आपका एक स्वीट सा दोस्त आता है और वो पूछता है एक स्वीट सा सवाल। हाय, बस का वेट कर रही है? नहीं तो ये कोई बस स्टॉप है क्या जो बस का वेट करूंगी? ये तो एयरपोर्ट है, मेरी फ्लाइट ना कभी भी आती होगी। वो देख, ओ वो फ्लाइट दिख रही है, वो हाँ वो फ्लाइट, वो मेरी फ्लाइट है। ओ हेलो, ओ पायलट, इधर 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 आओ, इधर लैंड करो। हाँ, आने दो आने दो आने दो आने दो इधर। इमेजिन आप एक मूवी हॉल गए हैं और टिकट खरीदने की लाइन में खड़े हैं, और सामने से आपको आपका दोस्त दिख जाता है। वो जैसे ही आपके पास आएगा ना, आपसे पक्का ये सवाल पूछेगा। हाँ, ये तो यहाँ क्या कर रही है? मैं तो स्कूल की फीस जमा करने आई हूँ। इसके कुछ देर बाद ना, थिएटर के अंदर आपको एक और दोस्त मिल जाए, उसके पास भी ना आपके लिए एकदम मस्त सवाल होगा, एकदम अलग, एकदम डिफरेंट। हाय, अरे हाय, मूवी देखने आई है? नहीं तो थिएटर में कौन मूवी देखने जाता है? मैं तो क्रिकेट खेलने आई हूँ, मुझे ना 12th मैन बना दिया है, तो इसीलिए ये ड्रिंक्स लाई हूँ। तू अंपायर बनी? आपने ना बाल कटाए हो, और आपसे ये सवाल अगर ना पूछा जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना। तुमने हेयर कट कराया? ये तुमने बाल कटाए? नहीं, कटाए नहीं है, एक्चुअली पतझड़ का मौसम है ना, तो पत्तों के साथ मेरे बाल भी झड़ गए। इमेजिन आप एक भीड़ वाली बस में हो और कोई आपके पैर पर पैर दे मारे और कहे, ओह सॉरी सॉरी, लग गया क्या? नहीं तो मुझे लगता वक्ता नहीं, मेरे पैर तो स्टील के बने हैं ना, मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता। आप ना तो दूसरा पैर भी ट्राई करो, मुझे लगता नहीं। लगा नहीं तो फिर आप चीखी क्यों? मैं चीखी नहीं, मैं तो आलाप ले रही थी, मैं सिंगर हूँ ना, उस आलाप का नाम है दर्द आलाप, दर्द आलाप। ओह नाइस। अगर आपकी शादी फिक्स हो गई हो, तो रिश्तेदारों का ये सवाल पूछा तो पक्का है। अरे एक बात बता, लड़का तो अच्छा है ना? नहीं, बहुत बुरा है, फुल साइको। पता है वो सीरियल किलर भी है, और उसकी अगली शिकार ना मैं हूँ, तभी तो उससे शादी कर रही हूँ। कोई आपको लैंडलाइन पे कॉल करे और ये सवाल पूछे, सॉरी मेरे पास लैंडलाइन नहीं है, तो ये एसी के रिमोट का हम लैंडलाइन समझेंगे। ओके ठीक है। हेलो यार, तू घर पे है क्या? तुमने लैंडलाइन पे कॉल किया है ना, तो मैं घर पे कैसे हो सकता हूँ? मैं तो सब्जी मंडी में हूँ, तरकारी खरीद रहा हूँ, टिंडे लाऊं तेरे लिए? जब आप गहरी नींद में सोए हो और रात के 3 बजे कोई कॉल करके आपसे ये सवाल पूछे, हाँ सो रही थी क्या? रात के 3 बजे कौन बेवकूफ सोता है? मैं तो भांगड़ा कर रही थी। गुड नाइट। म्यूजिक सुन रही है? नहीं तो मैं तो इंस्ट्रक्शंस ले रही थी, सीबीआई के अंडरकवर एजेंट हूँ मैं, सीक्रेट मिशन पे। और पता है इस मिशन पे मुझे करना क्या है? स्टूपिड सवाल पूछने वालों को ना रस्ते से साफ करना। तेरा क्या सवाल था? जब कोई दूर की आंटी आपको फैमिली फंक्शन में मिले और ये सवाल पूछे, अरे कितनी बड़ी हो गई है ये, बचपन में तो इतनी छोटी सी थी, कितनी बड़ी हो गई है।
चाइल्डहुड प्रॉब्लम नहीं है जो मेरी हाइट वहीं रुकी रहे। मेरी ग्रोथ नॉर्मल है और वैसे भी मम्मी ने मुझे बहुत कॉम्प्लेन पिलाया है, इसलिए मैं नॉर्मल हूँ। ऑफिस की लेट पार्टी के बाद जब आप घर आते हैं ना, तो दरवाजा खोलते हुए मम्मी ये सवाल जरूर पूछती है, आ गई घर? नहीं, मैं कहाँ आई? मैं तो टिम्बकटू में हूँ ना, ये तो मेरा भूत खड़ा है यहाँ। गलती से भी इस सवाल का जवाब मत देना, वरना दरवाजे पर ही चप्पलों से पिटाई हो जाएगी। और मम्मी है ना, ये सवाल सह लेना। आप अपनी ही बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट का वेट कर रहे हो और आपसे कोई पूछता है ऊपर जाना है? नहीं तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कि मेरा घर नीचे आए और मुझे साथ ले जाए। देखा, आप लोग मान गए ना कि हम लोग ऐसे सिली सवाल पूछते हैं। हमको पता होता है जवाब, लेकिन फिर भी हम पूछते हैं, पता नहीं क्यों। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और तब तक के लिए बाय। वरना दरवाजे पे ही चप्पलों से ये लड़की को देखो, रुको, ये नकली है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मतलब थोड़ा एक सीन करने तो, एक सीन करने तो सुंदर। हो गया, हो गया।